So hi everyone and welcome back once again to the channel. So this is the question of the hour. Will RBI notification come in 2023? In this video guys, I'm gonna tell you the answer to this question, that whether the RBI notification will come in 2023 or not. So yesterday I was talking to, I got a call from 3 or 4 students and all of them were asking the same question. That's whether the RBI notification will come this year or not. The motivation is going down. What to do now? Is jo delayed notification ka period hai, isme hum kya kare? Aur kya notification aayega bhi? Hum unnecessary padhe ja rahe hain, hamara time waste ho raha hai. All of these things these guys were talking to me yesterday. So maine socha ki is tarike ke question aap mein se bhi kai logon ke dimag mein chal rahe honge. So let's have a conversation with you guys. So guys, first of all, let me tell you the answer to this question. Will RBI notification come in 2023? Yes, definitely it's going to come. Now, you will ask me, achha, when will it come? Ab mujhe aap date batao, time batao. No. Dekho, main aapko bas itna bata sakta hoon that due to certain internal processes and internal interviews, the notification is getting delayed. Theek hai? Isse upar information mere paas bhi nahi hai, kisi ke paas bhi nahi hai. इससे पहले जो एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट्स की वीडियोस आप लोगों ने देखी होगी 6 मई, फिर उससे पहले जो अप्रैल था, उस टाइम कुछ इन्फॉर्मेशन थी तो आप लोगों को पता चली थी. किसी ने भी आपसे कोई झूठ नहीं बोला है. नो वन हैज टोल्ड एनी लाई टू यू. ठीक है, बिकॉज ये बहुत ओछी हरकत हो जाएगी कि आपसे कोई आगे झूठ बोलेगा, आपके इमोशंस के साथ खेलेगा. ऐसा कोई भी नहीं करता, नॉट मी, नॉट एनी अदर इंस्टीट्यूट और एनी अदर चैनल. कोई भी आपके साथ ऐसा नहीं करेगा, बिलीव मी. ठीक है, मैं अपनी भी गारंटी लेता हूँ और उनकी भी लेता हूँ कि कोई भी आपके साथ झूठ नहीं बोलेगा. सो इसीलिए आज मेरे पास कोई एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट की इंफॉर्मेशन नहीं है, ना ही एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन की है. आई डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन डेट, एग्जाम डेट, फेज वन डेट, फेज टू डेट और एनीथिंग लाइक दैट. बट आई कैन अश्योर यू दैट नोटिफिकेशन विल डेफिनेटली कम. बिकॉज कुछ टाइम पहले द क्वेश्चन वॉज वेन विल द नोटिफिकेशन कम, एंड नाउ यू गाइज आर आस्किंग द क्वेश्चन वेदर इट विल कम और नॉट. So that's why I'm here to tell you the answer to this question. Yes, it will come. Trust me, have faith on me ki notification aayega. I am following this examination. I have been following this examination since last 7 to 8 years. Pehle being an aspirant and now being a teacher. To examination to hoga is saal. Don't you worry about that. 2023 mein notification aana hi aana hai. Now kali jis ek student se meri baat ho rahi thi, to he told me ki achha 2020 mein to nahi aaya tha. भाई डोंट कंसीडर द 2020 ईयर, बिकॉज दैट इज एन एक्सेप्शनल थिंग. कोविड पैंडेमिक चल रहा था, पूरी दुनिया में पैंडेमिक चल रहा था, लोग मर रहे थे, तो नोटिफिकेशन कैसे आ जाता, राइट? सो दैट वॉज एन एक्सेप्शनल ईयर. ओके, सो व्हाट आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू गाइज हियर दैट नोटिफिकेशन विल डेफिनेटली कम. इसमें कोई डाउट नहीं है मेरे को एंड आपको भी नहीं होना चाहिए. नाउ द आंसर टू अदर क्वेश्चन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ योर्स कि भाई यार नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, मोटिवेशन नीचे जा रहा है, द मोटिवेशन इज गोइंग डाउन, व्हाट टू डू नाउ, हाउ कैन आई कॉन्सेंट्रेट ऑन माई स्टडीज. सो आई हैव समथिंग फॉर यू. बस मैं आपसे 2-3, 5-10 मिनट लूंगा, आपके बातें करूंगा और फिर आप अपने घर में अपने घर. देखो पहली चीज तो ये है दैट यू गाइज हैव नथिंग टू लूज. आपका कुछ खो नहीं रहा है. ठीक है, वाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज अगर आप पढ़ रहे हो तो योर टाइम इज नॉट गेटिंग वेस्टेड बाय देम. You are only gaining something. ठीक है, आपका कुछ जेब से जा नहीं रहा है, आपके पास आ रहा है इनफैक्ट. ठीक है, और अब आप कहोगे अच्छा ऐसे ऐसे नॉलेज का हम क्या करेंगे जो कि किसी काम नहीं आएगी. भाई साहब काम आएगी, ये मेरी बात आप लिख के ले लो. पढ़ी हुई चीज कभी खराब नहीं जाती, आज नहीं तो कल वो आपको यूज में आएगी ही आएगी विदाउट एनी डाउट. ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ भाई दबे, और मैंने कुछ लोगों को देखा है ये चीज, इस चीज का फायदा होते हुए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने दिमाग से ये निकाल दो कि ओके यार मैं पढ़ रहा हूं, नोटिफिकेशन नहीं आया तो मेरा जो टाइम है वो वेस्ट हो जाएगा, उससे बढ़िया मैं इंस्टाग्राम की रील देखता या कहीं घूमने जाता या जो भी करता. ठीक है, आई अग्री. सो व्हेन यू हैव डिसाइडेड टू गिव एनी एग्जामिनेशन, उसी दिन आपको समझ में आ जाना चाहिए था दैट सम सैक्रिफाइसेस यू हैव टू डू. तो वही ये सैक्रिफाइस का पीरियड है. आप ये मान के चलो कि आपको थोड़ा सा और सैक्रिफाइस करना पड़ेगा. अब ऐसा होता है, अब आप अपने दोस्तों को देखते होंगे जो कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हैं, वीकेंड ऑफ है, मौज ले रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे हो.
तो आप नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन जिस दिन एग्जाम निकल जाएगा उनसे डबल ट्रिपल मौज आप पूरी जिंदगी भर काटोगे टिल योर रिटायरमेंट एंड टिल योर डेथ, ठीक है ना। तो अभी जो आपका पीरियड है वो थोड़ा सा सैक्रिफाइसेस का पीरियड है, तो ट्राई टू यू नो रेडी टू डू द सैक्रिफाइसेस, अदरवाइज लीव द प्रिपरेशन एंड मौज करो जीवन में, ठीक है ना। बिकॉज आई नो कि आप में से कई लोग ऑलरेडी वेल सेटल्ड हैं, बट क्योंकि आपकी एस्पिरेशन है आगे कुछ बड़ा करने की, तो जब एस्पिरेशन होगी भाई तो सैक्रिफाइसेस तो करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो लोगों को मत देखो कि लोग क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, कौन कितनी मौज ले रहा है जीवन में, सब हटाओ अपने लाइफ से। जस्ट फोकस ऑन दिस थिंग दैट यू डोंट हैव एनीथिंग टू लूज, यू आर नॉट लूजिंग एनीथिंग, ट्रस्ट मी, ठीक है। नंबर वन। नंबर टू, नाउ अब आप में से दो कैटेगरी के लोग हैं। पहले कैटेगरी के वो लोग हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। नाउ दे विल आस्क मी कि अच्छा हम तो पढ़ चुके हैं भाई, अब हम क्या करें। देखो भाई ऐसा है दैट आरबीआई एग्जाम कंसिस्ट ऑफ करंट अफेयर्स एंड करंट अफेयर्स कंसिस्ट ऑफ अ लॉट ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स, अ लॉट ऑफ डेटा। सो डू यू थिंक, डोंट यू थिंक दैट देयर इज अ नीड टू रिवाइज अगेन एंड अगेन ऑल दोज डेटा टू मेक योर चांसेस हायर फॉर क्लियरिंग दिस एग्जामिनेशन। यस, इफ यू आर डन विद योर 100% सिलेबस, try to make it 150% by revising it again and again and increasing your chances of clearing this examination. Why can't you do that? You have to do it, right? Number one. Number two, दूसरे लोग हैं जिनका syllabus अभी incomplete है, but still वो ये सोच रहे हैं कि यार जो बचा हुआ management है वो करूं कि ना करूं, थोड़ा सा time बच जाएगा मेरे, time बचा के अच्छा क्या करोगे ये बताओ मेरे, कहीं घूमने चले जाओगे, ठीक है, या किसी और exam की preparation करने लग जाओगे half-heartedly, right? कुछ मतलब इंस्टाग्राम पे टाइम वेस्ट करोगे, सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करोगे, यही तो करोगे और इससे ज्यादा क्या करोगे। तो व्हेन यू हैव डिसाइडेड टू गिव एन एग्जामिनेशन रेडी टू डू द सैक्रिफाइसेस, नो। तो दूसरे वाले लोग जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है और वो ये सोच रहे हैं कि यार मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, प्लीज डोंट डू दैट। यू आर लूजिंग नथिंग, आपका कुछ भी नहीं जा रहा है। घूमने फिरने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी, आराम से घूमना वंस योर एस्पिरेशंस आर अचीव, वंस योर गोल्स आर अचीव, राइट। नंबर टू, दूसरे तरीके के ये लोग हो गए। तो ये दो तरीके के लोग हैं, दोनों को अपने अपने प्लान्स के साथ स्टिक रहना है। सो द सेकंड थिंग इज स्टिक टू योर प्लान, अपने प्लान से डाइवर्ट मत हो, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू गाइस, ठीक है। तीसरी बात जो मैं करना चाह रहा हूं दैट दिस इज अ टेस्ट ऑफ पेशेंस, दिस इज अ टेस्ट ऑफ पेशेंस। गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन है ना बहुत कुछ सिखाती है आपको, परसीवरेंस, पेशेंस, डिटर्मिनेशन, पैशन, राइट, हार्डवर्क, ये सब चीजें आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन में होनी ही पड़ेंगी। अगर आप में से कोई भी इसमें से कोई भी चीज लूज आउट करता है तो नो वंडर कि वो एग्जाम भी लूज आउट कर जाए। ऑलराइट, तो दिस पीरियड इज अ टेस्ट ऑफ पेशेंस। तो पेशेंस अगर टेस्ट हो रहा है होने तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है उसमें। यू आर मेंटली स्ट्रांग इनफ, द नीड ऑफ द आवर टू बी स्ट्रांग इनफ टू फेस दिस पीरियड ऑफ टेस्टिंग ऑफ योर पेशेंस, ठीक है जी। अब ये सिचुएशन ऐसी आई है आपके सामने जो आपको पेशेंस टेस्ट कर रहा है, तो कोई बात नहीं, होने दो, ठीक है, डटे रहो, फेस द सिचुएशन, राइट। नंबर फोर थिंग विच आई वॉन्ट टू डिस्कस हियर इज दैट, अब आप ऐसे कई लोग ऐसे होंगे ना जिनके ऊपर बहुत सारा, जो कि बहुत पूरी दुनिया का बोझ अपने कंधे पे लेके चल रहे होंगे, माँ बाप की उम्मीदें, गर्लफ्रेंड का प्यार, गर्लफ्रेंड की उम्मीद कि उसको शादी करनी है जल्द से जल्द। अब आपकी आज एज होती जा रही है और आप भी को लगता है कि नहीं अभी आपको और पढ़ना है, बैंक पीओ से आपको आरबीआई में जाना है या फिर अनएम्प्लॉयड से आपको एम्प्लॉयड होना है, राइट। तो यू आर डिलेइंग योर दैट मैरिज, राइट। दोस्त यारों को देखते हो कि भाई लाख्स के पैकेज हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, मौज ले रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, और मैं तो घर पे बैठ के आज भी पढ़ रहा हूं, सुबह बैंक जाता हूं शाम को पढ़ता हूं, या जाती हूं और शाम को पढ़ती हूं, ठीक है। या फिर जो अभी सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं वो यही सोचते हैं यार दिन भर घर पे बैठ के मैं पढ़ रहा हूं, दुनिया घूम रही है, दुनिया मौज ले रही है ग्रेजुएट होके या मास्टर करके। तो भाई इतना बोझ लेके कोई काम नहीं होता जीवन में, कोई काम नहीं होता। अगर भगत सिंह ने सोचा होता ये सब चीजें तो आज हम मैं यहां ना खड़ा होता और आप अपनी स्क्रीन पे ना बैठे होते, राइट। या सुभाष चंद्र बोस या जितने भी ग्रेट लीडर्स हैं इस दुनिया के, ठीक है, जितने भी ग्रेट अकेडमिशियंस हैं, लीडर्स हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं, अगर वो ये सब सोचते तो आज दुनिया, हमारा देश ऐसा नहीं होता। तो आपको भी ये सब चीजें नहीं सोचनी है, ठीक है, ये पूरी दुनिया का बोझ आप अपने कंधे पे लेके नहीं चल सकते हो, मार्क माय वर्ड्स, ठीक है। अपने आप के कंधों को थोड़ा सा बोझ जो है वो साइड रखो और अपने एग्जाम पे, अपने सिलेबस पे फोकस करो, ठीक है जी। जो कोई कुछ बोलता है बोलने दो, जाने दो, ठीक है। एंड द पॉइंट नंबर फाइव,
जो आप कर सकते हो अभी, इफ यू आर गेटिंग डिमोटिवेटेड, इफ यू आर यू नो नॉट एबल टू मोटिवेट योर सेल्फ, देन यू कैन टॉक टू मी, यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम और टेलीग्राम एट मैशी मनीष, MASHYMANISH, राइट, आई विल हैव अ कॉन्वर्सेशन विद यू, और यू कैन कनेक्ट टू द टीम एज वेल, आप हमारी काउंसिलिंग टीम से भी बात कर सकते हो ऑन दिस नंबर 9999466225. वी ऑल आर हेयर टू सपोर्ट यू इन दिस डिलेड नोटिफिकेशन पीरियड. और ऐसी कोई आफत नहीं आ रही है बाय द वे, ठीक है ना, ऐसी कोई आफत नहीं आ गई, नोटिफिकेशन तो आएगा ही ना, एक महीने बाद आएगा या डेढ़ महीने बाद आएगा या दो महीने बाद आएगा, कभी भी आएगा, आएगा ना, ये पक्का है कि आएगा, ये मैं आपको श्योर कर सकता हूं कि आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट. तो दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन डू इन दिस पीरियड. प्लीज प्लीज डोंट थिंक दैट यू आर वेस्टिंग योर टाइम बाय स्टडिंग द सिलेबस, बिकॉज आपका समय ऐसा नहीं है कि आप कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हो कि आपने एक घंटा ESI को या FM को दे दिया तो आपकी 100 करोड़ की मीटिंग जो है वो लूज हो गई. और अगर ऐसा है तो वाई आर यू प्रिपेयरिंग फॉर RBI, ठीक है. तो अपने आप को मोटिवेटेड रखो, नोटिफिकेशन आएगा. अगर कभी लगता है कि आपको मेरे से बात करने की जरूरत है तो यू कैन कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम और टेलीग्राम. और या यही सब चीजें हैं जो कि मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था. सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नोटिफिकेशन विल कम, व्हेन आई डोंट नो बट इट विल कम, ठीक है, डेफिनेटली आएगा. मैंने आपको बता दिया रीजन, कुछ इंटरनल प्रोसेसेस की वजह से और कुछ इंटरनल इंटरव्यूज की वजह से थोड़ा सा डिले है. अब वो आएगा, आ जाए, कल आए, परसों आए, एक महीने बाद आए, दो महीने बाद आए, वो आए, ठीक है. ये मत सोचो बिल्कुल भी कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है. मैं बार बार इस बात पर फोकस कर रहा हूं बिकॉज आई वॉज यू नो एस्टॉनिश्ड टू हियर यस्टरडे कि भाई दैट स्टूडेंट वॉज सेइंग कि भाई मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है. भाई टाइम कैसे वेस्ट हो रहा है, आप तो पढ़ रहे हो ना, तो यू आर नॉट लूजिंग एनीथिंग, यू आर गेनिंग एवरीथिंग, राइट. सो या दैट इज ऑल गाइज विच आई वॉन्टेड टू डिस्कस टूडे थ्रू दिस वीडियो. आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड व्हाट आई वॉन्टेड टू से. एंड आई एम नॉट हियर, अगेन लेट मी टेल यू दिस, आई एम नॉट हियर टू सेल एनीथिंग, ठीक है. मैं कुछ भी सेल नहीं कर रहा हूं. मेरे पास इस तरीके की क्वेरीज आ रही थी तो आई डिसाइडेड टू मेक अ वीडियो ऑन दिस. नोटिफिकेशन आएगा, जस्ट यू गाइज डोंट वरी, ऑलराइट. So thank you so much for watching and stay motivated, stay high, not on the weed, stay high with the motivation, all right. Goodbye, take care and God bless.